हमालों के हित की लड़ाई के नाम पर भाजपा का साथ छोड़ने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता जगमोहन वर्मा ने आज इंदौर में पत्रकार वार्ता के जरिए एक बार फिर हमालों के लिए सावेर विधानसभा में उपचुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। वर्मा का कहना है कि नामांकन की आखिरी तारीख पर ही वे अपने पत्ते खोलेंगे। हालांकि वर्मा ने इतना जरूर जाहिर किया है कि अपने बेटे के माध्यम से उन्होंने अपना चुनाव नामांकन फॉर्म तैयार करवा लिया है, जिसे ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आखिरी समय से पहले दाखिल किया जा सकता है। दरअसल इंदौर में खड़ी कराई वसूली बंद होने के मामले में पूरे वरिष्ठ भाजपा नेता जगमोहन वर्मा ने मोर्चा खोल रखा है। हमालों के लिए लड़ाई करने की बात कहते हुए वर्मा ने कुछ दिन पहले ही भाजपा की प्राथमिक सदस्य सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में उद्योगपतियों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर हमाल संघ के सदस्यों पर दादागिरी करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर सफाई देते हुए वर्मा ने कहा कि हमाल न तो उत्पादन करते हैं और न ही उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अगर हमाल दादागिरी करते हैं तो अभी तक किसी भी उद्योगपति ने बीते 35 वर्षों में अब तक किसी भी हमाल की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। तो इंदौर में उसके आने जाने में इतने और भी तो हमाल संघ है जो संगठन आपने बताया कौन से ये पास तो है हमारे जो बंदे वही वही जो जो जिसके पेट में दर्द होगा वही आएगा ना। अच्छा रावलिया जी पे भी एक प्रकरण हुआ था, वो आपके साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? रावलिया जी का भाई जो है वो भी हमारे है ना, हमारे साथ है ना, वो आपके साथ है क्या? वो खुल के पार्टी फोरम पे क्यों नहीं बोल रहे? कौन बोल रहा है? रावलिया जी क्यों, तो वो बीजेपी से जुड़े हुए? नहीं नहीं, वो उनके जो काका है लक्ष्मी नारायण रावलिया, उसको व्यापारी ने बंद कराया था, वो जनपद के प्रतिनिधि थे। क्या करेंगे अभी चुनाव के नामांकन भरने की तारीख कल आखिरी है, ठीक है ना? तो अभी आपने कोई निर्णय लिया है? भाई देखो सब दरवाजे खुले हुए हैं, अभी कल तक फॉर्म तो मैंने मंगा लिया नामांकन का। अब मैं कल टाइम निकलने के पहले पहले मैं स्थिति क्लियर करूंगा ना, आप लोगों को बता दूंगा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ नहीं लड़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ तो किससे लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ रहा तो क्यों नहीं लड़ रहा। 13 महीने से हम 12 बार बैठ चुके हैं और उस बैठक में मुझे नहीं बुलाया, ना हमारे हमल संघ के किसी साथी को बुलाया, बुलाया क्या आप लोगों को? नहीं बुलाया, हमें क्या मालूम, आप उनसे पूछो। अधिकारियों में हमारे पूरे करके चले जाते हैं, कुछ भी बढ़ा जाते हैं हमारे लिए होता है, मतलब बीजेपी का सहयोग नहीं मिला कहीं ना कहीं। आपने तो पार्टी के लिए बरसों करा है, आपको उन्होंने तो सपोर्ट नहीं करा। मेरे को मत करा, मेरे हमारे साथियों को तो करो यार, मेरा यही तो झगड़ा है। मैं अपने लिए मांगने के लिए थोड़ी मैंने इस्तीफा दिया, मैं तो आज भी कह रहा हूँ खुले रूप से कि मैं हमाल के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। पार्टी में मैंने काम किया, पार्टी मेरी माँ थी परसों तक, आज माँ से मैं अलग हो गया, मैंने घर अलग बसा लिया और इस बसावट में मेरे हमारे साथियों के साथ है थी ना, इतने सालों तक थी। आप तो वो तो मेरे चेले चपाटी हैं और जितने आए थे सब मेरे बच्चे की उम्र से भी कम है, चाहे विधायक हो चाहे नगर अध्यक्ष हो चाहे उमेश शर्मा हो। मैंने आपको अभी बताया, आपने सुना नहीं कि कल नामांकन की आखिरी तारीख है, कल मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूंगा आपको बता दूंगा, क्योंकि आजकल तो ई फार्म में भरे जा रहे हैं ना, तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे भर दूंगा। मेरे बच्चे को बोल दिया कि बेटा फार्म हम कंप्लीट कर लेते हैं, तैयारी कर। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप लोग तो क्या है कि हमको सड़क साफ भी बता, तो हम पे आरोप लगाए गए कल कि हम गुंडागिर्दी करते हैं, है ना? गुंडागिर्दी के साथ वो उत्पादन की बात कर रहे हैं, उत्पादन उद्योग करता है, हम तो पीठ लगाने वाले हमाल हैं, हम इनका उत्पादन बढ़ाने और घटाने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं शासन से निवेदन करता हूं कि इन चोरों ने जो बताया कि हमारा इतना उत्पादन हमने इतना रुपया कमाया, उसका टैक्स भरा है क्या इन्होंने? नहीं भरा है तो शासन टैक्स भरा है। हम पे गुंडागिर्दी का जो आरोप लगा रहे हैं ये चोर, ये चमार साले, ये चोर चमार जो चोरी कर रहे हैं ना, रेलवे की चोरी की इन्होंने माल की, उसका प्रकरण दर्ज है। इन्होंने जहाँ भी अपने फैक्ट्री या कारखाना खोला है वो गलत ढंग से रजिस्ट्री बता के लाखों रुपए का चूना लगाया है इस योगेश मेहता ने, और आज वो एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बन के बैठा है चोर, और उसके कारण ही ये जो मतभेद हुए हैं व्यापारियों के, उद्योगपतियों के और हमाल के। नहीं तो हमारा बड़ा सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्वक मामला था, आज तक 35 सालों में कभी किसी हमाल ने इन उद्योगपति से कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अगर करता तो पुलिस में रिपोर्ट होती है ना, और यहाँ तो थाना भी है, सीएसपी ऑफिस भी है, एसपी ऑफिस भी है, डीआईजी भी है, वहाँ क्यों नहीं गई है? क्या वहाँ हमने पैर पकड़ लिए थे क्या?
हमको गुंडा किस बात के कह रहे हैं? एक चोर हमको गुंडा ठहरा रहा है, हमारे पास प्रमाण है कि उसके खिलाफ बाणगंगा थाने में मामला दर्ज है, हमारे पास प्रमाण है कि उसके खिलाफ आर्थिक अपराध में मामला चल रहा है। अब ये लोग कहते हैं कि हमने हम वालों के लिए फंड बना रहे हैं, हम उनकी चिकित्सा करेंगे, हम उनके बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। अरे उद्योगपति जी, आप अपने बच्चे को उद्योगपति बनाओगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाओ? और कितने बनाए आपने? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, उद्योगपति का बच्चा उद्योगपति बनता है। आपको धमकी भी देने के बाद सामने, हाँ ये धमकी दी गई है कि आप इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को बंद कर दें, वरना आपकी कभी हम जान से आपका हाथ धोना पड़ेगा। मैं उससे डरता नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं पार्टी से योगेश मेहता चोर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष, आगे क्या रहेगा आपका? आगे तो मेरा आंदोलन, मैं हिमल भाइयों के साथ में हूँ, तन मन धन से साथ में हूँ, जो मेरे पास है मैं दूंगा इनको, मैं इनके लिए संघर्ष करूँगा आखिरी तक। हमारे संघ से हटके हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि चुनाव का आपने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।